हेलो दोस्तों, ट्रेडर्स बुक्स में आपका फिर से स्वागत है। हमारी आज की वीडियो बुक टाइम मैनेजमेंट पर है, जिसे डॉक्टर सुधीर दीक्षित ने लिखा है। यह बुक 2011 की बेस्ट सेलिंग बुक में से एक है। यह बुक समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग के बारे में बताया गया है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग का पहला सिद्धांत, समय की लॉग बुक रखें। जिस तरह आप पैसों का बजट बनाते हैं, उसी तरह समय का भी बजट बनाएं। बजट बनाने के लिए आपको यह हिसाब लगाना होता है कि आपका पैसा कहाँ खर्च हो रहा है। समय के मामले में भी यही नीति अपनाएं। एक डायरी लें और एक सप्ताह तक यह रिकॉर्ड रखें कि आप किस काम में कितना समय खर्च कर रहे हैं। ड्राइवरों की भाषा में इसे लॉग बुक कहा जाता है, जिसमें वे लिखते हैं कि गाड़ी कितने किलोमीटर चली और कहाँ तक चली। समय की अपनी लॉग बुक में आप जितना बारीकी हिसाब रखेंगे, आपको उतना ही ज़्यादा फायदा होगा। और हाँ, लॉग बुक के सबसे पहले कॉलम में गतिविधि के बजाय घंटे लिखें, ताकि कोई महत्वपूर्ण अंतराल ना छूट पाए। आप चाहें तो लॉग बुक बनाने का काम लैपटॉप में एक्सेल शीट पर या किसी अन्य सॉफ्टवेयर पर भी कर सकते हैं। इसमें एक सप्ताह तक अपने हर घंटे का संक्षिप्त वर्णन लिखें। गारंटी है कि इसमें आपकी आँखें खुल जाएंगी। इससे आपको यह पता चल जाएगा कि आपका समय किन गतिविधियों या कामों में लग रहा है। मोबाइल फोन पर आपने कितनी देर बातचीत की, उसके लिए रात को अपने मोबाइल का कॉल रजिस्टर देखकर अवधि दर्ज कर लें। इंटरनेट पर आपने कितना समय दिया, यह भी कंप्यूटर की घड़ी देखकर दर्ज कर लें। एक सप्ताह बाद रविवार को बैठकर इस पूरे रिकॉर्ड को अच्छी तरह विश्लेषण करें, ताकि आपको पता चल जाए कि आप अपना समय कितना समय इंटरनेट, मोबाइल फोन, टीवी या सामाजिक मेल मिलाप में खर्च कर रहे हैं। समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग का दूसरा सिद्धांत, आर्थिक लक्ष्य बनाएं। अगर आपका कोई लक्ष्य ही नहीं है, तो आपकी सफलता संदिग्ध है। अगर आप यही नहीं जानते कि आप कहां पहुंचना चाहते हैं, तो आप कहीं नहीं पहुंच सकते। जैसे किसी यात्रा पर जाने से पहले आपको यह पता होना चाहिए कि आप कहां जाना चाहते हैं, उसी तरह आपको यह भी पता होना चाहिए कि आर्थिक क्षेत्र में आप कहां पहुंचना चाहते हैं, तभी आप वहां तक पहुंच सकते हैं। यदि आपकी कोई मंजिल ही नहीं है, तो आप वहां तक पहुंचने की योजना कैसे बनाएंगे और उस दिशा में कैसे चलेंगे। अगर आप जीवन में कुछ करना चाहते हैं, तो यह जान लें कि लक्ष्य के बिना काम नहीं चलेगा। लक्ष्य दो तरह के होते हैं, सामान्य लक्ष्य और निश्चित लक्ष्य। सामान्य लक्ष्य इस प्रकार के होते हैं, मैं और ज़्यादा मेहनत करूँगा, मैं अपनी कार्य कुशलता बढ़ाऊंगा, मैं अपनी योग्यता में वृद्धि करूंगा इत्यादि। दूसरी ओर अस्पष्ट लक्ष्य इस प्रकार के होते हैं, मैं हर दिन 8 घंटे काम करूंगा, या मैं हर महीने 20,000 रुपये कमाऊंगा, या मैं सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग का कोर्स करूंगा। अस्पष्ट लक्ष्य वे होते हैं जिन्हें नापा या जांचा जा सकता है। लक्ष्य जितना अस्पष्ट होता है, आपके सफल होने की संभावना उतनी ही ज़्यादा होती है। अस्पष्ट आर्थिक लक्ष्य सफलता के कितने महत्वपूर्ण होते हैं, इसका एक उदाहरण देखें। एक सेल्समैन की पत्नी अस्पताल में लंबे समय तक भर्ती रही। हैरानी की बात यह थी कि उस साल सेल्समैन ने अपने सामान्य औसत से लगभग दुगना सामान बेचा। जब उससे उसकी सफलता का कारण पूछा गया, तो उसने कहा कि अस्पताल का बिल उसके सामने रखा था और वह सटीकता से जानता था कि बिल चुकाने के लिए उसे कितना सामान बेचना होगा। इस उदाहरण से यह स्पष्ट हो जाता है कि अगर आप कोई मनुष्य ठान ले, तो वह अपने आर्थिक लक्ष्य हासिल कर सकता है, बस शर्ते उसके सामने स्पष्ट लक्ष्य हो। इसलिए समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग का दूसरा सिद्धांत, लक्ष्य से आपकी योजना को आकार मिलता है, योजना से आपके कार्य तय होते हैं, कार्यों से परिणाम हासिल होते हैं, और परिणाम से आपको सफलता मिलती है, और यह सब लक्ष्य से शुरू होता है। समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग का तीसरा सिद्धांत, सबसे महत्वपूर्ण काम सबसे पहले करें। अक्सर हमारी दिनचर्या इस तरह की होती है कि हमारे सामने जो काम आता है, हम उसे करने लग जाते हैं, और इस वजह से हमारा सारा समय छोटे छोटे कामों में निपटाने में ही चला जाता है। हमारे महत्वपूर्ण काम सिर्फ इसलिए नहीं हो पाते, क्योंकि हम महत्वहीन कामों में उलझे रहते हैं। महत्वाकांक्षी व्यक्ति को इस बारे में सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि सफलता पाने के लिए यह आवश्यक है कि महत्वपूर्ण काम पहले किए जाएं। हमेशा याद रखें कि सफलता महत्वहीन नहीं, बल्कि महत्वपूर्ण कामों से मिलती है।
इसलिए अपनी प्राथमिकताएं स्पष्ट रखें और अपना समय महत्वहीन कामों में कमाएं। इसलिए समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग का तीसरा सिद्धांत है, सबसे महत्वपूर्ण काम सबसे पहले करें। समय के संबंध में अपनी प्राथमिकताएं तय करने का एक उदाहरण देखें। एक मशहूर संगीतज्ञ जब वायलिन बजाना सीख रही थी तो उन्होंने पाया कि उनकी प्रगति संतोषजनक नहीं है। कारण खोजने पर उन्हें पता चला कि संगीत का अभ्यास करने से पहले घर साफ करने, सामान व्यवस्थित करने, खाना पकाने आदि कार्यों में उनका बहुत समय लग जाता है, इसलिए उन्हें वायलिन के अभ्यास के लिए कम समय मिल पाता है। यह जानने के बाद उन्होंने संकल्प किया कि चूंकि संगीत उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण है, इसलिए वे सबसे पहले संगीत का अभ्यास करेंगे, बाकी सारे काम उसके बाद करेंगे। खुद को इस तरह अनुशासित करने के बाद उन्होंने संगीत के साथ क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की, क्योंकि अब वे अपना सबसे महत्वपूर्ण काम सबसे पहले कर रहे थे। इस उदाहरण से यह स्पष्ट हो जाता है कि हर महत्वाकांक्षी व्यक्ति को अपने सबसे महत्वपूर्ण काम सबसे पहले करने चाहिए, लेकिन इसके लिए उसे यह पता लगाना होगा कि सबसे महत्वपूर्ण काम यह काम है कौन से। उसके पास उसकी प्राथमिकताओं की स्पष्ट योजना होना चाहिए। ऐसा करना बहुत ही आसान है। एक डायरी में ए, बी और सी शीर्षक के तीन कॉलम बना लें। एक कॉलम में अपने सबसे महत्वपूर्ण काम रखें जिन्हें आप अनिवार्य मानते हैं। बी कॉलम में ऐसे काम रखें जो अनिवार्य तो नहीं है परंतु महत्वपूर्ण है। सी कॉलम में ऐसे सामान्य काम रखें जो ना तो अनिवार्य है ना ही महत्वपूर्ण है। दिन में सबसे पहले एक कॉलम के पहले काम यानी A1 काम शुरू करें जो सबसे अनिवार्य काम होगा। उसे पूरा करने के बाद आप इसी कॉलम के दूसरे काम करने में जुट जाएं और इस तरह एक कॉलम के सारे काम निपटा लेंगे। एक कॉलम के बाद बी कॉलम के काम शुरू करें और इसके बाद समय बचने पर ही सी कॉलम के कामों की ओर जाएं। महत्व के क्रम में अपनी प्राथमिकताओं की कार्य सूची बनाना बहुत महत्वपूर्ण होता है। हमें रॉबर्ट जे मैकिंग की यह बात हमेशा याद रखना चाहिए। अधिकांश बड़े लक्ष्य हासिल ना हो पाने का कारण यह है कि हम छोटी चीजों को पहले करने में अपना समय बर्बाद कर देते हैं। मूर्ख व्यक्ति जो काम अंत में करता है, बुद्धिमान व्यक्ति उस काम को तत्काल कर देता है। दोनों एक ही काम करते हैं, फर्क सिर्फ समय का होता है। समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग का चौथा सिद्धांत, काम सौंपना, डेलीगेशन सीखें। ज्यादातर लोगों के साथ एक बड़ी समस्या यह है कि वे हर काम को खुद करने की कोशिश करते हैं। वे दूसरों को काम नहीं सौंपना चाहते क्योंकि उन्हें लगता है मैं इसे ज्यादा अच्छी तरह से कर सकता हूं या मैं इसे दूसरों से ज्यादा जल्दी कर सकता हूं। उन्हें यह समझ ही नहीं आता है कि बड़ी सफलता पाने के लिए उन्हें दूसरों को काम सौंपना ही होगा, चाहे यह उन्हें पसंद हो या ना हो। प्रगति की राह में एक ऐसा मोड़ आता है जहां भविष्य में प्रगति करने के लिए दूसरों को काम सौंपना अनिवार्य हो जाता है। इसलिए बेहतर होगा कि आप काम सौंपने की कला सीख लें। काम सौंपने के लिए आपको सिर्फ इतना करना है कि आप किसी सही व्यक्ति को खोजकर इसे काम सौंप दें, यानी कि ऐसा व्यक्ति चुनें जिसमें उस काम को अच्छी तरह से करने की क्षमता और इच्छा हो। फिर उसे बता दें कि उसे क्या करना है, कैसे करना है और कब तक करना है। इसके बाद आप सौंपे गए काम और उसके पूर्ण होने की तारीख को अपनी डायरी में लिख लें। डेलीगेशन या काम सौंपने का तरीका इतना ही आसान है। सौंपे गए काम की प्रगति की निगरानी करना अच्छी बात है, लेकिन यह भी ध्यान रखें कि ज्यादा निगरानी में आपका समय बर्बाद होता है और सामने वाले को बुरा भी लग सकता है कि आप उसकी क्षमता या योग्यता पर भरोसा नहीं कर रहे हैं। काम सौंपने की कला में निपुण होने के लिए सिर्फ दो चीजों की जरूरत होती है, यह पता लगाना कि कौन से काम सौंपे जा सकते हैं और किसे। बस इतनी सावधानी बरतें कि यदि गोपनीय या अत्यंत महत्वपूर्ण काम दूसरों को सौंपने के बजाय खुद करें। अमीर लोग समय में निवेश करते हैं, गरीब लोग धन में निवेश करते हैं। समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग का पांचवा सिद्धांत, पैरेटो के 20-80 के नियम को जानें। पैरेटो का नियम अप्रत्यक्ष रूप से हमें पूर्णतावाद या परफेक्शन के प्रति भी सावधान करता है। यह बताता है कि हम 80% काम 20% समय में ही पूरा कर लेते हैं और बचे हुए 20% काम में 80% समय बर्बाद करते हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि
हम उस काम को आदर्श तरीके से करना चाहते हैं। कई बार परफेक्शन या पूर्णता का आग्रह समय की बर्बादी का कारण बन जाता है और व्यक्ति को असफल करा सकता है। यदि आपको लगता है कि आप कड़ी मेहनत करने के बावजूद सफल नहीं हो रहे हैं, तो पैरेटो के सिद्धांत को आजमा कर देखें। इससे आप यह जान जाएंगे कि आप किस काम में कितनी मेहनत कर रहे हैं। देखिए, वास्तविक संसार में यह महत्वपूर्ण नहीं होता है कि आप कितनी बड़ी मेहनत करते हैं, महत्वपूर्ण तो यह होता है कि आप कितनी बुद्धिमानी या चतुराई से मेहनत करते हैं। यह पता लगाना सफलता के लिए बहुत जरूरी है कि आप अपने लक्ष्य का पीछा करने में कितना समय लगा रहे हैं और छोटे छोटे कामों में कितना समय बर्बाद कर रहे हैं। अक्सर ऐसा होता है कि हम अपना समय छोटे छोटे कामों में लगा देते हैं। हम यह सोचते हैं कि पहले आसान और छोटे काम निपटा लें, इसके बाद आराम से अपने महत्वपूर्ण या बड़े काम निपटा लेंगे। बहरहाल बाद में जाकर हमें इस दुखद तथ्य का एहसास होता है कि महत्वपूर्ण या बड़े कामों के लिए हमारे पास समय बचा ही नहीं है। यदि आप पैरेटो के सिद्धांत को याद रखेंगे तो ऐसा कभी नहीं होगा। यदि आप अपनी परिस्थितियों को बदलना चाहते हैं तो अलग तरीके से सोचना शुरू करें। समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग का 6वां सिद्धांत, टाइम टेबल बनाएं। जिस तरह पैसे की बर्बादी को रोकने के लिए बजट बनाना जरूरी है, उसी तरह समय की बर्बादी को रोकने के लिए टाइम टेबल बनाना जरूरी है। इसलिए समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग का 6वां सिद्धांत है, टाइम टेबल बनाएं। आपका टाइम टेबल दो तरह का हो सकता है, पूर्ण टाइम टेबल और संक्षिप्त टाइम टेबल। पूर्ण टाइम टेबल, पूर्ण टाइम टेबल में आप पूरे 24 घंटे की योजना बनाते हैं, जबकि संक्षिप्त टाइम टेबल में आप सिर्फ सीमित समय की ही योजना बनाते हैं। आइए पूर्ण टाइम टेबल का उदाहरण देखें। संक्षिप्त टाइम टेबल, संक्षिप्त टाइम टेबल में आप पूरे दिन की योजना नहीं बनाते हैं, सिर्फ अपने कामकाज या बिजनेस के घंटों की योजना बनाते हैं। मान लें आप हर दिन 8 घंटे का काम करना चाहते हैं। इस स्थिति में आप खुद से कहते हैं, मैं सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक और दोपहर 2 बजे से शाम 6 बजे तक काम करूंगा। आपके टाइम टेबल में बाकी कामों की कोई योजना नहीं होती है, इसमें सिर्फ आपके काम के समय की योजना होती है। यदि किसी दिन या किसी सप्ताह आपके पास ज़रूरत से ज़्यादा काम होता है, तो उसे पूरा करने के लिए आप अपने टाइम टेबल में 1-2 घंटे की समय बढ़ा लेते हैं। ऐसी स्थिति में आप खुद से कहते हैं, मैं सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक और दोपहर 2 बजे से शाम को 7 या 8 बजे तक काम करूंगा। संक्षिप्त टाइम टेबल बनाना और उसका पालन करना आसान है तथा शुरुआत में अच्छा है। यह व्यवसायिक लक्ष्य हासिल करने का बेहतरीन तरीका है। बहरहाल इस बात का ध्यान रखें कि संक्षिप्त टाइम टेबल आपको सिर्फ एक दिशा में सफलता दिलाता है, जबकि पूर्ण टाइम टेबल जीवन के हर क्षेत्र में सफलता दिलाता है, क्योंकि वह संतुलित और संपूर्ण होता है। समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग का 7वां सिद्धांत, डेडलाइन तय करें। डेडलाइन यानी आखिरी समय सीमा। डेडलाइन दरअसल पुराने जमाने में किसी जेल के चारों ओर खींची उस लाइन को कहा जाता था जिसके आगे जाने पर कैदियों को गोली मार दी जाती थी। आजकल डेडलाइन पार करने पर आपकी जान तो नहीं जाती, बल्कि आपकी प्रतिष्ठा और करियर में तरक्की के अवसर जरूर चले जाते हैं। इसलिए डेडलाइन को गंभीरता से लें। आखिर डेडलाइन में ऐसा क्या होता है जिससे आपकी क्षमता बढ़ जाती है और आप ज़्यादा तेजी से काम पूरा कर लेते हैं? देखिए, पहली बात यह है कि इससे आपको एक स्पष्ट लक्ष्य मिलता है, और हम सभी जानते हैं कि स्पष्ट लक्ष्य होने पर हम ज़्यादा तेज काम कर सकते हैं। दूसरे, इससे आप एक योजना बनाते हैं और उस पर चलने के लिए खुद को अनुशासित करते हैं। तीसरे, डेडलाइन उस काम पर आपके दिमाग को केंद्रित रखती है जिसे आप उसे समय सीमा में पूरा करने के नए नए तरीके सोच सकते हैं। उदाहरण देखिए, मेरा एक मित्र पुस्तकों का संपादन करता है। अगर उसे बिना किसी डेडलाइन के पुस्तक के संपादन की जिम्मेदारी सौंपी जाए तो काम 1.5 महीने में पूरा होता है, लेकिन अगर उसे 7 दिन की डेडलाइन दे दी जाए तो वह उसे 10 दिन में ही पूरा कर देता है। इस उदाहरण से यह स्पष्ट हो जाता है कि महत्वपूर्ण क्षमता नहीं है, महत्वपूर्ण तो डेडलाइन है। दरअसल उसमें वह काम 10 दिन में पूरा करने की क्षमता है, लेकिन
वह इसे 1.5 महीने में इसलिए पूरा करता है क्योंकि कोई डेडलाइन नहीं है। बात क्षमता की नहीं, समर्पण और लगन की है। समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग का 8वां सिद्धांत, समय खरीदना सीखें। आपके लिए कौन सी चीज ज्यादा महत्वपूर्ण है, समय या धन? आप इन दोनों में से किसे बचाने की ज्यादा कोशिश करते हैं? आप पैसेंजर ट्रेन से यात्रा करना पसंद करते हैं या सुपरफास्ट ट्रेन से? देखिए, रिटायर्ड लोग पैसेंजर ट्रेन को ज्यादा पसंद करते हैं क्योंकि उसमें किराया कम लगता है। पैसेंजर ट्रेन की यात्रा में समय ज्यादा लगता है, लेकिन रिटायर्ड लोगों को आमतौर पर समय की कोई कमी महसूस नहीं होती, उनके पास समय ही समय रहता है। दूसरी ओर व्यस्त लोग सुपर फास्ट ट्रेन से यात्रा करते हैं क्योंकि उन्हें समय की कमी रहती है और वे बचे हुए समय का सदुपयोग कर सकते हैं। बेहद व्यस्त लोग हवाई जहाज से यात्रा करते हैं क्योंकि उनका समय और भी ज्यादा कीमती होता है। जिस व्यक्ति का समय जितना कीमती होता है, वह उसे बचाने के लिए उतने ही ज्यादा पैसे खर्च करने को तैयार रहता है। यदि आप समय बचाना चाहते हैं तो आप भी समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग के 8वां सिद्धांत का पालन करें, समय खरीदना सीखें। 19वीं सदी के मशहूर प्राकृतिक विज्ञानी लुईस अगासी को नियमित रूप से भाषण देने के लिए बुलाया जाता था। एक बार वे कोई महत्वपूर्ण काम कर रहे थे जिसकी वजह से उनके पास समय नहीं था। ऐसे में जब एक आयोजक ने उन्हें भाषण देने के लिए आमंत्रित किया तो उन्होंने इनकार कर दिया। आयोजक ने जोर देते हुए कहा कि भाषण के बदले में वह उन्हें पैसे देगा। यह सुनकर अगासी आग बबूला हो गए और बोले, पैसे का लालच मुझे नहीं डिगा सकता, मैं पैसे कमाने के लिए अपना समय बर्बाद नहीं कर सकता। इसका एक रोचक उदाहरण देखें। क्या आपने कभी सोचा है कि साड़ी की दुकान पर पुरुष मोल भाव क्यों नहीं करते और महिलाएं घंटों तक मोल भाव क्यों करती हैं? वैसे तो इसके कई कारण हैं, लेकिन इसका प्रमुख कारण है समय। आमतौर पुरुषों के पास समय की कमी होती है, जबकि महिलाएं तुलनात्मक रूप से फुर्सत में होती हैं। एक बार फिर वही हिसाब लगा लें। अगर आपके 1 घंटे का मूल्य 100 रुपए है और 1 घंटे के मोल भाव के बाद आप दुकानदार से 20 रुपए कम करवाने में कामयाब हो जाते हैं, तो आप दरअसल घाटे में रहते हैं। वास्तव में आपको 20 रुपए का फायदा नहीं हुआ, बल्कि 80 रुपए का नुकसान हो गया। समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग का 9वां सिद्धांत, समय की बर्बादी के गुरुत्वाकर्षण नियम को जानें। यदि आप हवा में छलांग लगाएं तो क्या होगा? पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण आप नीचे आ जाएंगे। यही समय के मामले में भी होता है। जैसे ही आप कोई महत्वपूर्ण काम शुरू करते हैं, वैसे ही बाधाओं की गुरुत्वाकर्षण शक्ति सक्रिय हो जाती है और आपको नीचे धकेलने लगती है। इसलिए समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग का 9वां सिद्धांत है, समय की बर्बादी के गुरुत्वाकर्षण नियम को जानें। समय के मामले में हेनरी फोर्ड भी इतने ही दूरदर्शी थे। जब कामकाज के संबंध में उन्हें कोई समस्या आती थी तो वे मैनेजरों को अपने चैम्बर में बुलाने के बजाय उनके चैम्बर में जाकर मिलते थे। इस बारे में उन्होंने कहा था, मैंने पाया है कि मैं सामने वाले को अपने ऑफिस से उतनी जल्दी नहीं निकाल सकता जितना उसके ऑफिस से खुद को निकाल सकता हूँ। इन महान लोगों की तरह आपको भी बाधाओं को जल्दी से जल्दी दूर भगाने की योजना बना लेनी चाहिए ताकि आप अपने समय का सर्वश्रेष्ठ उपयोग कर सकें। एक दिन बिस्मार्क एक अंग्रेज राजदूत से बातचीत कर रहे थे। कुछ समय बाद राजदूत ने बिस्मार्क से पूछा, आप उन आगंतुकों से कैसे निपटते हैं जो आपका इतना सारा कीमती समय बर्बाद कर देते हैं? बिस्मार्क ने जवाब दिया, मेरा एक अचूक तरीका है। मुलाकात के बीच मेरा नौकर आकर कहता है कि मेरी पत्नी मुझसे कोई जरूरी बात करना चाहती है। जिस पल बिस्मार्क यह कह रहे थे, उसी समय एक नौकर आया और उसने बिस्मार्क से कहा कि उनकी पत्नी उनसे कोई जरूरी बात करना चाहती है। कानून उस डाकू को कभी नहीं पकड़ता है जो इंसान की सबसे बेशकीमती चीज समय को चुराता है। समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग का 10वां सिद्धांत, न्यूटन के गति के पहले नियम का लाभ लें। सरल भाषा में न्यूटन का गति का पहला नियम कहता है, जो चीज जिस अवस्था में है उसी में बनी रहती है जब तक कि उस पर बाहरी बल का प्रयोग ना किया जाए। यह बहुत ही अद्भुत नियम है। यह वस्तुओं पर ही नहीं व्यक्तियों पर भी लागू होता है। आप जिस अवस्था में हैं उसी में रहेंगे जब तक कि बाहरी बल का प्रयोग ना हो। यह बाहरी बल
कहां से आता है, या तो दूसरों के दबाव से या फिर आपके अनुशासन से, आपकी स्वप्रेरणा से। इसलिए समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग का 10वां सिद्धांत है न्यूटन के गति के पहले नियम का लाभ लें। इस नियम का एक अच्छा पहलू भी है, जब आप सफलता की डगर पर चलने लगेंगे तो आप सफलता की अवस्था में तब तक रहेंगे जब तक कि बाहरी बल का प्रयोग ना हो। जैसा हम पिछले सिद्धांत में देख चुके हैं, बहुत से बल आपकी प्रगति में बाधा डालने की कोशिश करेंगे, लेकिन आप उनसे सतर्क रहेंगे और अपनी गति को बरकरार रखेंगे। एक बार ड्यूक ऑफ वेलिंगटन ने युवा ब्रिटिश नेता पामर्स्टन को सुबह 7:30 बजे का अपॉइंटमेंट दिया। एक मित्र ने पामर्स्टन से पूछा कि वे तो रात को देर तक जागते हैं, फिर वे इतनी सुबह अपॉइंटमेंट के लिए कैसे पहुंचेंगे? पामर्स्टन का जवाब था, बहुत आसान है, यह सोने से पहले मेरा आखिरी काम होगा, यही है अनुशासन। पामर्स्टन जानते थे कि वह मुलाकात महत्वपूर्ण थी, इसलिए उन्होंने देर तक जागने की अपनी आदत को आड़े नहीं आने दिया। उन्होंने अपनी दिनचर्या में थोड़ा फेर बदल करके न्यूटन के गति के पहले नियम का इस्तेमाल किया। आप भी ऐसा ही कर सकते हैं, अनुशासन का इस्तेमाल करके प्रगति की राह पर चल पड़े और सामने आने वाली हर बाधा को दूर करते जाएं। लोग कहते हैं कि समय परिस्थितियों को बदल देता है, लेकिन सच तो यह है कि आपको उन्हें खुद बदलना पड़ता है। समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग का 11वां सिद्धांत। यह महत्वपूर्ण नहीं है कि आपने कितने समय काम किया, महत्वपूर्ण तो परिणाम है। देखिए, यह बेहद महत्वपूर्ण सिद्धांत है, क्योंकि अक्सर यहीं पर गलतफहमी का अंदेशा रहता है। कर्मचारी अक्सर महसूस करते हैं कि वे 8 घंटे काम करते हैं, इसलिए उनकी तनख्वाह बढ़नी चाहिए। दूसरी ओर कंपनी के मालिक सोचते हैं कि इस आदमी ने 5,000 रुपये का काम किया है और इसे 8,000 रुपये तनख्वाह पहले से मिल रही है, इसलिए इसकी तनख्वाह बढ़ाने की जरूरत नहीं है। इसके बजाय अगर संभव हो तो उसकी तनख्वाह कम कर देनी चाहिए या उसे नौकरी से निकाल देनी चाहिए। मिसाल के तौर पर दो सेनाएं आपस में लड़ रही हैं और उनमें से एक हार जाती हैं। देखने वाली बात यह है कि दोनों ही सेनाएं समान समय तक लड़ी, दोनों ने ही जान की बाजी लगाई, लेकिन परिणाम दोनों के लिए अलग अलग रहे। एक का नाम सुनहरे अक्षरों में लिखा गया, जबकि दूसरे को पराजय का कलंक झेलना पड़ा। इसलिए समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग का 11वां सिद्धांत है, यह महत्वपूर्ण नहीं है कि आपने कितने समय काम किया, महत्वपूर्ण तो परिणाम है। इस संदर्भ में एक अपवाद है, लगा हुआ समय तब तक महत्वपूर्ण होता है जब परिणाम बेहतरीन हो। एक उदाहरण देखें, बॉस आपको कोई जटिल काम करने को देता है और उसके लिए आपको 7 दिन की डेडलाइन देता है, लेकिन आप उसे 2 दिन में ही अच्छी तरह पूरा करके सौंप देते हैं, तब आप बॉस की नज़रों में ज़्यादा ऊपर उठ जाएंगे, आपने 19 से कम समय में बेहतरीन काम कर दिया। इस बात से वह बहुत प्रभावित होगा और यह आदत आपको उस क्षेत्र में बहुत आगे और ऊपर तक लेके जाएगी। तीव्रता महत्वपूर्ण है, लेकिन परिणाम उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और हाँ, जैसा स्टीफन कवी ने कहा है, अगर आपको किसी दीवार पर चढ़ना हो तो गलत दीवार से टिके सीढ़ी पर तेजी से ना चढ़ें। तेजी से काम करने में तभी फायदा होता है जब सीढ़ी सही दीवार से टिकी हो, यानी यह सुनिश्चित कर ले कि आपकी यात्रा सही दिशा में हो रही है। हमेशा सफल लोगों के नजरियों से दुनिया को देखें, यह महत्वपूर्ण नहीं है कि आपने कितने समय तक काम किया, महत्वपूर्ण तो परिणाम है। लोग यह बात भूल जाते हैं कि आपने कोई काम कितनी तेजी से किया, लेकिन वे हमेशा याद रखते हैं कि आपने उसे कितनी अच्छी तरह किया। अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू सो मच दोस्तों, आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।